नमस्कार भैया। खीरा लगाते हैं भैया आप लोग? हाँ भाई। कितना लगाते हैं भैया खीरा? अरे 15-20 रुपए तक लगाते हैं। अच्छा, तो ये आपके हाथ में भैया एक पैकेट है ये वाला जो ये खीरा लगा रखे हैं। ये कौन सा खीरा भैया? ये रूपाली है। रूपाली है? कितने दिनों से लगा रहे हैं भैया ये? अरे ये 2 साल हो गए। 2 साल हो गए लगाते हुए आपको? कितना लगाते हैं लगभग? अरे 15-20 बीघा भर। 10-20 है। क्या नाम भैया आपका? रामेश्वर यादव। किसान भाइयों, आज हम आए हैं ये काजी खेड़ा गांव में, जो कि यहां पर खीरा भी लगता है और गेंदा जाफरी भी लगता है, लेकिन कुछ किसानों से आज हम मुलाकात करने आए हैं। तो ये जानने आए हैं सर्वप्रथम कि ये लोग कौन सा खीरा लगाते हैं इस गांव में। ये लोग, इनका बताना है, जो ये लोग, ये सनराइजिंग कंपनी का जो कि आप देख रहे हैं ये रूपाली वैरायटी है। इस जो है ये F1 वैरायटी आती है। ये बता रहे हैं कि रूपाली लगा रहे हैं। भैया आप लोग लगभग कितना लगाते हैं, जैसे कि 10-20 एक बीघा या 100 ग्राम 50 ग्राम लगभग कितना लगाते हैं बीज? अरे 250 ग्राम दवा है। 250। किसान भाइयों, और ये भैया का नाम रामेश्वर यादव है और ये काजी खेड़ा गांव से हैं। ये हर साल रूपाली का खीरा यानी 2 साल से लगातार लगा रहे हैं। भैया हम आपसे इसके बारे में जानना चाहेंगे, खीरे के बारे में जो आप पकड़े हुए हैं रूपाली खीरा, ये जो है इसकी क्या खासियत है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। अरे कि फरंत बढ़िया है, फरंत अच्छी है और गर्मी में जैसे कि पैदावार कैसी रहती है? कुछ लोगों की शिकायत होती है कि कुछ खीरों का फल जो है जब ज्यादा गर्मी होने लगती है तो सफेद पड़ने लगता है। नहीं, तो हरा रहता है। अच्छा, गर्मी में बढ़िया चलते है। अच्छा अच्छा, गर्मी में अच्छा होता है। भैया आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी क्या खासियत है, पैदावार कैसी रहती है, फल कैसा आता है? इसकी पैदावार बढ़िया है। बढ़िया है, फल एकदम हरा रहता है। रहता है, फल के साइज से आप संतुष्ट हैं? मार्केट में बढ़िया बिक जाता है, बढ़िया बिक्री होती है इसकी। किसान भाइयों, इन लोगों का कहना है कि ये जो सनराइजिंग कंपनी का जो रूपाली खीरा है बहुत ही अच्छा होता है, पैदावार अच्छी होती है। भैया इसका जो आप बोते हैं, बुआई के कितने दिन बाद इसमें अंकुरण होने लगता है, जैसे ये जमा हुआ है ये कितने दिन बाद हो गया भैया? अरे जी 4-6 दिन में दिखाई, यानी कि 4-6 दिन में इसका अंकुरण हो जाता है। जमाव भी, जमाव कैसा रहता है भैया इसका? अच्छा है, जमाव अच्छा है, जमाव भी बढ़िया होता है। किसान भाइयों, जमाव की कोई शिकायत इसमें नहीं मिलती है आपको। और इसके बाद जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बुआई कर दी, बुआई करने के कितने दिन बाद इसमें फूल फल आने लगते हैं भैया? अरे 40-45 दिन। 40-45 दिन में? किसान भाइयों, जैसा कि अन्य कंपनियों के जो मार्केट में उपलब्ध हैं खीरा, लगभग कुछ कंपनियों के 45-50 दिन में व 50-55 दिन में आते हैं, लेकिन इनका कहना है कि जब भी ये बोते हैं तो 40-45 दिन में इसमें फूल फल आ जाते हैं। और इसमें भैया ये मान लीजिए आप जो और कोई दूसरा खीरा लगाते हैं अन्य कंपनियों का, उसकी अपेक्षा इसमें क्या खासियत है? पैदावार जल्दी शुरू होती है या पैदावार अच्छी है, या रोग बीमारी कैसी क्या है इसमें? रोग बीमारी ज़्यादा लगती है, कम लगती है? अरे इसके पहले हम मालनी बोते हैं तो मालनी वाला जल्दी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, और ये गर्मी में? हाँ, ये बात तक चलता है। किसान भाइयों, इनका कहना है कि जो सेमनीज कंपनी का मालनी खीरा आता है, ये मालनी खीरा रोग ग्रसित हो जाता है और बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाता है, जबकि ये वाला खीरा भैया कितने दिन तक लगभग टिकाऊ रहता है उससे मालनी के अपेक्षा? मान चलो 1 महीना ज़्यादा चलता है। 1 महीना ज़्यादा चलता है। किसान भाइयों, ये सनराइजिंग जो कि रूपाली खीरा है, ये अन्य खीरों की अपेक्षा जो कि 1 महीने लगभग ज़्यादा चलता है। और पैदावार कैसी होती है भैया अन्य खीरों की अपेक्षा? पैदावार बढ़िया होती है, बढ़िया होती है। फल का साइज वगैरह? हाँ बढ़िया है। गर्मी जब ज़्यादा पड़ने लगती है तो फल सफ़ेद हो जाता है या हरा ही रहता है? ये हरा रहता है, हरे रहता है हमेशा। और रोग बीमारी इतना नहीं सताता है। खीरा आप बोते हैं तो आप जानते होंगे कि इसमें जैसे कि खर्रा बहुत लगता है खीरे में जी, तो आप इसमें कैसा लगता है, मतलब कम लगता है या ज़्यादा लगता है? कम लगता है। कम लगता है। किसान भाइयों, इनका कहना है कि जो ये रूपाली खीरा है, इस खीरे की उपज से ये संतुष्ट हैं भैया, 2 साल से लगा रहे हैं लगभग, और इसमें रोग बीमारी कोई नहीं लगती है। अन्य खीरों की अपेक्षा 1 महीने ज़्यादा टिकाऊपन है। गर्मियों में जो खीरे बोए जाते हैं अधिकतर कंपनियों के सफ़ेद पड़ने लगते हैं, जबकि इस कंपनी का यानी कि सनराइजिंग कंपनी का जो रूपाली खीरा है, ये काफ़ी अधिक दिन तक टिकाऊ रहता है और बहुत बढ़िया ही होता है। इसका जमाव अच्छा है और पैदावार अच्छी है।
वो इसमें फूल फल बहुत जल्दी ही आ जाते हैं अन्य कंपनियों की अपेक्षा, और उपज अच्छी होती है, पैदावार अच्छी होती है। आप लगभग इस कंपनी को कितने सालों से जानते हैं भैया? तीन चार साल जानते हैं। ये 3-4 सालों से जानते हैं, लेकिन किसान भाइयों 2 सालों से इसको लगातार लगा रहे हैं। आप इसकी उपज से संतुष्ट हैं भैया जी? आप किसानों को क्या बताना चाहेंगे कि ये लगाया जाए या न लगाया जाए? इसकी क्या खासियत है, कुछ थोड़ा बहुत किसानों को बता दीजिए, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से कुछ किसान अच्छे बीज लगा सकते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले। इसका जो ये किस कंपनी का है भैया? ये सनराइजिंग कंपनी का। सनराइजिंग कंपनी का ना जी। और ये नाम क्या है इसका? रूपाली खीरा। भैया ये जो है मतलब सनराइजिंग कंपनी का है और रूपाली खीरा बता रहे हैं, ये पैदावार अच्छी होती है, अच्छी होती है अन्य कंपनियों की अपेक्षा। जो पहले आप खीरा लगाते थे उससे बढ़िया होती है? उससे ज्यादा होती है। और रोग बीमारी भी कम है, कम होती है। खीरा एकदम कैसा सफेद निकलता है या हरा निकलता है? हरा निकलता। जमाव वगैरह की कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं होती। किसान भाइयों आज मैं काजीखेड़ा गाँव में आया था, जो कि यहाँ पर खीरे की खेती होती है। लखनऊ के आसपास लगभग कई गांवों में खीरे की खेती होती है किसान भाइयों, लेकिन जब यहाँ 2-4 किसानों से, भैया आपका क्या नाम है? भैया आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम भैया? आपका क्या नाम भैया? आपका भैया? आपका भैया? आपका भैया? जैसा कि 10-12 किसान हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं और इनसे हमने जानकारी ली कि कौन सा खीरा लगाते हैं ये लोग, तो इन लोगों ने ये पैकेट दिखाया कि हम लोग यही खीरा लगाते हैं और बहुत ही अच्छा होता है, उपज अच्छी होती है। किसान भाइयों आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि यदि आप खीरे की खेती करते हैं तो आप उत्तम गुणवत्ता वाली बीजों का उपयोग करें। हालांकि जो इन किसान भाइयों से हमें जानकारी मिली है, ये इसके मुताबिक आप सनराइजिंग सीड्स फार्म कंपनी का जो है रूपाली वैरायटी आप लगाइए, ये पैदावार अच्छी देती है, फलंद जल्दी शुरू हो जाती है और इसके बाद में जमाव में कोई शिकायत नहीं आती है। 4 से 6 दिनों में, जैसा कि भैया ने बताया है, जमाव हो जाता है और गर्मियों में अन्य खीरों की अपेक्षा टिकाऊपन है। एक जो इसमें खर्रा रोग लगता है, आप किसान के माध्यम से जो खर्रा रोग लगता है उस खर्रे रोग की भी इसमें रोकथाम प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक है, और इसमें जैसे एफिड जेसिड जो भी अन्य कीटनाशक कीड़े लगते हैं उनका प्रकोप भी बहुत कम होता है और ये बहुत उत्तम गुणवत्ता वाली है। तो किसान भाइयों यदि आपको खीरे की खेती करनी है तो आप सनराइजिंग सीड्स फार्म का रूपाली खीरा लगाएं और अच्छी उपज लें, और जिससे कि आपको अधिक लाभ मिल सके। धन्यवाद किसान भाइयों।